हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि मैं कराने जा रही हूँ आई लैश एक्सटेंशन एंड मैं सोचा आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बिकॉज मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कितने चार्जेस होते हैं, अपनी आई लैशेज डैमेज तो नहीं होती, या कितने टाइम तक रहता है, कितना टाइम लगता है करवाने में। सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सो I'm gonna answer all the questions for you guys and देखते हैं करवा के कैसा experience रहता है। मैंने लोगों के देखे बहुत सुंदर लगती है eyelashes करवाई हुई एंड मेरा बहुत मन था शादी के टाइम पर कराने का, बट उस टाइम इसलिए नहीं करा पाई बिकॉज अगर आपने eyelash extension करवाई हो ना तो फेक lashes आई थिंक लगाने में दिक्कत होती है, तो अभी आज कराते हैं। आई होप कि मेरे पे सूट करे। सो आई मीन रजौरी गार्डन है, यहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स हैं, मल्टीपल सैलॉन्स हैं जहाँ से आप आई लैशेज करवा सकते हो। सो लेट्स सी किधर हमें बेस्ट ऑफर मिलता है। अभी मुझे ये मिला है, प्राइस तो बहुत कम दे रखा है, बट लेट्स सी जाके देखते हैं। सो गाइज अभी भी मैंने एक जगह पता करा है, ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल्स अभी के अभी बताती हूँ। अभी मुझे लग रहा है मैं आप लोग के लिए पूरी मार्केट एक्सप्लोर करने निकली हूँ कि क्या रेट चल रहा है, कैसा करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर लिखा है 199 में नेल एक्सटेंशन, जिसमें वो एक्सटेंशन करेंगे बट नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने आई थिंक लास्ट टाइम करवाया था, मैं फोटो इंसर्ट कर दूंगी, तो 199 में दोनों हाथ, विच इज सुपर डुपर चीप। एंड आई लैशेज एक्सटेंशन सिर्फ 1000 रुपये में क्लासिक वाली, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी हैवी चाहिए तो 1500-2000 भी रेट होता है, बट आई थिंक 1000 वाली भी अच्छी थी। बट सिंस मेरा न्यू नेल आर्ट नहीं है, मेरा रीफिल वाला है, तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 500 रुपीज, 500 रुपये में रीफिल प्लस नेल पेंट परमानेंट वाली एंड प्लस वन फिंगर ग्लिटर नेल आर्ट, तो वो भी अच्छी डील लगी मुझे वैसे तो 500 रुपये में, ठीक है। तो अभी और कहीं चलते हैं ना, तो भी देखते हैं रेट क्या मिलता है। सो गाइज अभी ना मुझे एक और भैया ने सजेस्ट करा, यहाँ पे आपको रजौरी गार्डन मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे जो उनकी नेल आर्ट सैलॉन वालों के शॉप के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो आपको ऑफर्स वगैरह बताते रहते हैं रोड पे ही। तो एक भैया ने मुझे अच्छा ऑफर दिया है, मैं आपको प्राइस बाद में बताऊंगी। लेट्स सी, अभी उनका स्टूडियो चल के देखते हैं। फाइनली वी आर गेटिंग आवर नेल्स एंड लैशेस डन एंड अभी दिस इज द बिफोर, मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। एंड आई लैशेस तो मुझे दिख ही नहीं रही हैं अभी, बट लेट्स सी बाद में कैसे लगते हैं। गोइंग फॉर ऑल पेस्टल्स दिस टाइम एंड होपफुली सही लगे, बिकॉज इस टाइप तो मैं यूजुअली न्यूड्स में जाती हूँ, कभी कलर वाला करवाया नहीं, तो देखते कैसा लगता है। जस्ट कट माय नेल्स एंड इट लुक्स प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। देखो मैं प्रॉपर फोटो इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पे ना, अभी लैशेस कराने चलते हैं एंड आई एम नर्वस, बस सही से हो जाए, लेट्स गो। बस लैशेस करवाने वाली हूँ, थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। एंड दो टाइप की होती है, ठीक है, क्लासिक एंड हाइब्रिड, एंड उसके बाद और भी हैवी होती हैं, तो मैंने क्लासिक नहीं कराई बिकॉज मेरी लैशेस ऑलरेडी मतलब लेंथ है इसकी, ठीक है, और तो सीधी है, कर्वी नहीं है। मैंने हाइब्रिड वाली बोला उनको करने के लिए, जो क्लासिक से हल्की सी हैवी वाली होती है। सो लेट्स सी कैसा होता है। नर्वस, मेरी लैशेस को कुछ तो नहीं होगा ना, अब ज़्यादा हैवी तो बहुत होता है, ज़्यादा हैवी तो नहीं करवा रही। मेरा आई लैश का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, सबसे पहले उन्होंने जैसे आई पैचेस होते हैं ना, बट ये थोड़े से स्टिकी थे, सो दैट उन्होंने मेरी लोअर लैश को एकदम अच्छे से स्किन के साथ स्टिक कर दिया था, ताकि वो बीच में ना आए, ठीक है। सो सबसे पहले दोनों आंखों में वो लगा दिया, यू ऑल कैन सी कि उनके हाथ पे ना एक स्ट्रिप सी लगी हुई जिसके अंदर काफी सारी इंडिविजुअल लैशेज हैं, तो उन्होंने वहां से दो दो तीन तीन के बंचेस लिए एंड ग्लू की हेल्प से मेरी लैशेज, जो मेरी ओरिजिनल लैशेज थी, उसमें एक एक करके लगा दिया एंड वो बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता जा रहा था, एकदम आई लैशेज फुलर लग रही थी, वॉल्यूम काफी आ गया था। बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, आपको लिटरली पता भी नहीं चलेगा, नहीं इतनी जल्दी हो जाएगा। एंड उन्होंने एक एक करके बहुत सुंदर वॉल्यूम ले आए थे मेरी लैशेज में एंड काफ़ी अच्छा फुलर इफेक्ट आ गया था। एंड यहाँ पे लिटरली विद इन 45 मिनट्स टू एन आवर मेरे दोनों आईज कंप्लीट हो गए थे। लेफ्ट साइड में भी हल्का सा स्टार्टिंग का पोर्शन बचा हुआ है, मुझे वहाँ पे थोड़ी सी वॉल्यूम और चाहिए थी, तो उन्होंने वो भी ऐड करा। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा खोलने में ना दिक्कत होगी बिकॉज ग्लू अभी गीली होती है। मैं मेकअप कर सकती हूँ, आई मेकअप
जितना करोगे जितना छेड़ोगे ना किसी चीज़ को वो निकल जाएगी, वो धीरे धीरे निकले, वन टू वन टू डेली फोल हो जाएगा। ऑल दो जरूरत है नहीं अब इतना, है ना, मेकअप शेकअप करने की आईज में। इसके बाद मेकअप ब्रश ले लो, वॉश करोगे ना गिल के सूखी होने के बाद वो कर लेना। फेस वॉश लगा सकते हैं कि खाली पानी से? नहीं करना, ठीक है ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, अवॉइड करो, बस पानी से धो और उसके बाद ये लगा लो। So guys, this is what it looks like. मुझे बहुत सुंदर लग रही है, एकदम डॉल आई जैसा होता है ना वैसा हो रहा है। एंड पहले लग रहा था आई लैशेज खुद की है ही नहीं, अब फाइनली लैशेज दिख रही हैं। एक सेकेंड, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एंड इससे मुझे कॉम करने के लिए बोला है लैशेज को, फेस वॉश करके ऑब्वियसली। एंड इस पर ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, बाकी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फाइनली मैंने करवा लिया एंड लिटरली मैं कहना इतनी क्यूट लग रही है, अपनी आँखें खुद की तारीफ कर रही हूँ मैं। एक तो सेकंड चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब आप आई लैशेज करवाने आओगे ना तो आई मेकअप मत करके आना, लाइनर वाइनर मत लगा कर आना। और उन्होंने बोला है कि आप ज़्यादा लाइक आई मेकअप वगैरह जितना करोगे जितना छेड़ोगे उतना ही जल्दी ये निकल जाएगा। गाइस आई एम बैक एंड आई एम गोना आंसर ऑल योर क्वेश्चंस नाउ। सारे क्वेश्चन मेरे सामने लिखे हुए, मैं एक एक का आंसर आपको देने वाली हूँ, आपके इसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ आई लैशेज तो वहाँ पे थी एक क्लासिक, देन दी हाइब्रिड एंड देन दी डॉल आई। एंड डॉल आई में भी आप सिंगल सेट दो सेट मतलब हैवी करवा सकते हो, ठीक है, बट डॉल आई जो है थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगती है, थोड़ी सी मेडअप लगती है, तो आई डोंट गो फॉर दैट। मैंने कराई थी हाइब्रिड लैशेज जो की क्लासिक वाली से हल्की सी हैवी थी, एंड अभी वो भी निकल चुकी है, बिकॉज मैंने पूरा वेट करना था जब अच्छे से निकल जाए, एंड देन मेरी लैशेज तो नहीं झड़ रही, मैं पूरा रिव्यू का वेट करती। अभी आई एम जस्ट वेयरिंग फॉल्सीज, फॉल्स लैशेज मैंने लगाई हुई है। का स्टे रहता है 21 डेज टू अ मंथ, ठीक है। 21 डेज में जैसे आपकी रियल लैशेज हल्की हल्की गिरती रहती है, यू नो, तो ये वाली लैशेज भी झड़ती रहती है, यानी बंच में झड़ती है, लाइक दो गिरेंगी तीन गिरेंगी, उसके बाद आप रिफिल करवा सकते हो। जहां जहां से गिरेंगी ना खाली हो तो जाएगा स्पेस, तो जब आप रिफिल कराने जाओगे वो स्पेस को फिल कर देते हैं। सो दैट इज द रिफिल प्रोसीजर। मेक श्योर जब आप करवाने जा रहे हो यू आर नॉट वेयरिंग एनी आई मेकअप, या अवॉइड करना फेस मेकअप भी, बिकॉज यहाँ पर भी वो स्टिकर पेपर सॉर्ट ऑफ आपने देखा होगा लगाया था मेरे, तो यहाँ पर अगर आपने मेकअप करा हुआ वो सारा खराब हो जाएगा। सो मेक श्योर यू आर नॉट अप्लाइंग एनी मेकअप, आप लिपस्टिक वेयर करके जा सकते हो। एंड करवाने के बाद यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट रबिंग योर आईज वेरी हार्ड, लाइक बहुत हार्शली आप रब मत करना, बिकॉज वो लैशेज गिरेंगी। एंड सेकेंडली आप 24 आवर्स तक फेस वॉश मत करना, लाइक पानी से भी एंड फेस वॉश से भी मत करना। एंड उसके बाद भी मेक श्योर दैट यू आर अवॉइडिंग फेस वॉश, एंड खाली पानी से आप मुंह धो सकते हो, तो ये थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। या फिर आप फेस वॉश बाकी हिस्से में लगा लो, बस लैशेस के पास फेस वॉश मत लगाना, बाकी फेस पे लगा के आराम से क्लीन कर सकते हो। एंड देन दे विल गिव यू स्पूली ब्रश, जैसे आप फेस वॉश कर आते हो ना आपकी आंखें गीली होती हैं, तो जब वो ड्राई हो जाएंगी आई लैशेज देन उसको कॉम्ब कर सकते हो, सो दैट यू नो वो एकदम अच्छे से शेप ले लें, अदरवाइज वो गीले होने के बाद ऐसे जुड़ जुड़ जाती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। एंड गाइज मेरे साथ एक दिक्कत भी थी, जो मैं करवा रही थी ना मेरी लेफ्ट आई एकदम अच्छे से उन्होंने कर दी, बट राइट आई में इवन दो उन्होंने टेप लगाई थी नीचे, बट जैसे मैंने आंखें खोली ना मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी इस वाली आंख में, ठीक है, राइट वाली में। एंड इरिटेशन में मुझे लगा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मे बी आईज यूज टू नहीं होती ना ये सबका, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हुआ था एक दिन तक पूरा। उसके बाद ठीक हो गया, बट देन मैंने जब फेस वॉश करा पानी से तो इस वाली आंख में बिल्कुल भी जलन नहीं हुई कुछ भी, जैसे हम नॉर्मल फेस वॉश करते हैं वैसे ही फील हुआ, बट इसमें बहुत ज्यादा जलन हुई थी। मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने बोला मे बी हल्की बहुत ब्लू चली गई होगी या उसकी वजह से दिक्कत दे रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपनी आंखें अच्छे से बंद रखना, हो सकता है मेरी गलती, हो सकता है उनकी गलती, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, तो हो सकता है ग्लू चली गई हो आंख में और उसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, बट वो जलन भी मेरे 2 से 3 दिन के अंदर चली गई थी। उसके बाद मुझे फेस वॉश करने में 1 महीने तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एंड गाइस इस प्रोसीजर में लगता है 1 आवर अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो जल्दी हो जाता है, बट मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटा लगेगा उसके अंदर वो लगा देंगे। एक एक लैशेज को वो लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू, एंड उनकी ग्लू बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, एंड देन उसको वो फैन से ड्राई करते हैं, लाइक एक हीटिंग सॉर्ट ऑफ फैन होता है, उससे वो ड्राई होता रहता है साथ के साथ। तो बहुत ईजी प्रोसीजर है, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू जस्ट हैव टू ले डाउन रिलैक्स एंड दे विल डू इट फॉर यू। एंड दे ऑल्सो सेड मुझे वाटर प्रूफ मेकअप नहीं लगाना है अपनी आंखों पे, बिकॉज वाटर प्रूफ मेकअप ना पानी से निकलता नहीं है, अच्छे से रब करके निकालना पड़ता है, उसके अंदर हमारी लैशेज टूट सकती हैं। सो उन्होंने मुझे बोला था कि वाटर प्रूफ मेकअप अवॉइड करना, एंड जो नॉर्मल मेकअप होता है वो भी अगर आप बाई चांस करो वैसे जरूरत नहीं पड़ती है,
अगर कर रहे हो तो वो आराम से अच्छे से प्यार से रिमूव करना है मेकअप को, ठीक है। थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स भी बता देती हूँ। जो आप करवाते हो ना, आई मीन योर आईज लुक सो प्रिटी, हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, तो आप कभी कभी करवा सकते हो। बहुत अच्छा भी नहीं है कि डेली डेली आप करवाओ, बट कभी कभी आप करवा सकते हो। जैसे कि आपकी खुद की शादी है, कोई घूमने जाना है, आपके घर में कोई फंक्शन है, तब आप करवा सकते हो। लाइक लिटरली उसको कराने के बाद ना ऐसा लगता नहीं कि आपको मेकअप लगाना पड़ेगा, यू जस्ट अप्लाई अ लिपस्टिक एंड यू आर गुड टू गो। इतना ज्यादा आपका फेस ग्लो करता है, आंखें बहुत प्रिटी लगती है, एकदम डॉला इफेक्ट आता है। सो आपको मेकअप नहीं लगाना पड़ता, दैट्स अ प्रो। आपका टाइम बचता है। अगर आप आई मेकअप भी करो, आपको आई लैशेस लगानी नहीं आती, तो उसके अंदर भी हमारा टाइम बच जाएगा। एंड कॉन आई वुड से कि इसके अंदर अपनी लैशेस थोड़ी बहुत तो अफेक्ट करेगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ना करे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वैसे भी लैशेस गिरती ही है। जब आपकी नेचुरल गिरती है तो वो भी गिरती है, तो थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा। आपकी खुद की लैशेस हल्की हो जाएंगी, बहुत कम डिफरेंस आता है, बट हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी कम लग रही है, और तो मुझे ऐसा फील हुआ, बट मुझे मेरे घर वालों ने बोलते कि हाँ थोड़ी सी कम लग रही है पहले से, बट हाँ कभी कभी के लिए आई वुडंट माइंड। एंड मैं हो सकता है दोबारा भी कराऊं, बिकॉज आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड कईयों को लगता है ना कि हैवी लगेगा या आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। आपको हो सकता है कि यू नो स्टार्टिंग के 24 आवर्स में हल्का फुल्का अनकंफर्टेबल लगे, मुझे नहीं लगा, बिकॉज मैं वैसे भी फॉल्स लैशेस लगाती रहती हूँ, तो मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। बट हाँ पता चलता है कि आपके कुछ लगा हुआ है लैशेस पे, बट वो भी फीलिंग 24 आवर्स तक रहती है, उसके बाद चली जाएगी। एंड मुझे लग रहा था कि यू नो जब मैं सो के उठूंगी तो ये झड़ वड़ ना जाए, एकदम सही था। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर 7 डेज। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि एकदम सही लग रही है, लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, एंड लग नहीं रहा कि कम हो गई है, बहुत प्रिटी लुक आ रहा था इसमें भी। एंड गाइस इस वाली क्लिप में यू ऑल कैन सी कि लैशेज मेरी काफी हद तक कम हो चुकी थी, 20-22 दिन हो चुके थे, एंड थोड़ी बहुत गिरने लगी थी मेरी लैशेज। एंड लास्ट में आके ना पता है क्या हुआ था कि बिल्कुल लिटरली एक यहाँ पर लैश है, एक यहाँ पर लैश है, बहुत दूर दूर थी, तो वो बहुत वियर्ड लगता था। सो या तो आप उसको आराम से रब करके निकाल सकते हो, या फिर आप उसको झेलना पड़ेगा, बिकॉज वो थोड़ा सा वियर्ड तो लगता है। एंड अगर आपकी वॉटरी आईज है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, बिकॉज जब वो ग्लू लगा रहे होते हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ग्लू होती है, सो जिनकी वॉटरी आईज होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव आईज होती है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा पानी आने लगता है, तो करने में भी दिक्कत होती है, बिकॉज वो ग्लू फिर लगती नहीं है अच्छे से। एंड हल्की सी बर्निंग सेंसेशन ऐसे ही सेट की मुझे तो हुई थी, बट वो 2-3 दिन के अंदर एकदम गायब हो गई थी। गाइस लेट मी टेल यू द प्राइस। जैसे कि मैंने आपको ब्रोशर में दिखाया था कि उसके अंदर 1000 रुपीज लिखा होता फॉर क्लासिक लैशेस। मैंने नेल्स भी कराए थे लाइक विद प्रॉपर नेल आर्ट, एंड मेरा बिल अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए था 1000 फॉर क्लासिक था, 1500 फॉर हाइब्रिड लैशेस था, एंड नेल्स का अराउंड 1000 उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ तक होगा। बट कि मैंने आपको बताया ना कि आप थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हो, बट उन्होंने मुझे काफी अच्छी डील दे दी थी, तो 1000 नेल्स का एंड 1500 लैशेस का, तो अराउंड 2500 रुपीज मेरा बिल बनता था, उन्होंने आराम से 2000 तक वो कर देते हैं, ठीक है। बट यू नो मैंने काफी जगह एक्सप्लोर करा था, एंड फाइनली मुझे एक जगह मिला जिन्होंने मेरा लाइक हाइब्रिड लैशेस कर दी थी एंड नेल आर्ट भी कर दिया था, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग से नहीं था ना, स्क्रैच से नहीं था नेल आर्ट, मेरे को बस रीफिल कराना था, तो उन्होंने मुझे दोनों चीजें, कैन यू ऑल इमेजिन, जस्ट 1500 रुपीज में कर दी थी। 1000 रुपीज उन्होंने मुझे लिए थे लैशेस के, एंड 500 उन्होंने मुझे लिए थे नेल रीफिल प्लस नेल आर्ट के, जो कि बहुत ही ज्यादा कम प्राइस है। मतलब हर जगह मुझे 1800-1700 मिल रहा था डिस्काउंट के बाद, बट इन्होंने मुझे 1500 में कर दिया, एंड लाइक उन्होंने काफी अच्छा काम कराया था। तो रजौरी मार्केट अगर आप जा रहे हो, या अपने घर की किसी भी आसपास की मार्केट में जा रहे हो, मेक श्योर यू आर एक्सप्लोरिंग अच्छे से, एंड मेक श्योर यू आर बार्गेनिंग एज वेल, बिकॉज वहाँ पे बार्गेन चलता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम इसका प्राइस जो लैशेस का होता है ना, 1000 रुपीज से लेके 2500-3000 तक जाता है। डिपेंड्स कि आप कौन सी करा रहे हो, कितनी हैवी करा रहे हो, कितने सेट्स लगा रहे हो। मैंने जो कराई थी मैंने उसकी आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। नाउ गाइस इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो, उनको भी आंसर कर दूंगी। एंड आई होप कि ये वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड अच्छी लगी। इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।